What's going on guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to the video. And guys, आज हम लोग दोबारा से खेल रहे हैं Wobbly Life. And guys, आज हम लोग जाएं यार Wobbly Life में थोड़ी डिटेक्टिव गिरी करने. तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ ना क्यों ना अपन लोग थोड़े अच्छे कपड़े पहन ले, है ना भाई? लगने चाहिए ना भाई, अपन लोग डिटेक्टिव्स हैं. तो क्या बोलते हो? आई थिंक नीचे में मेरे को ना एक पैंट पहन लेना चाहिए, लेकिन कैसा पैंट पहनू गाइज? इस लाल कलर के सूट के साथ आई थिंक ये वो भाई, ये तो रिच मैन वाला वाइब दे रहा है ब्रो. डॉक्टर भाई अमीर लोग थोड़ी बनने जा रहे ब्रो, अपन लोग को डिटेक्टिव बनना है भाई. हाँ तो आई थिंक ये पुलिस वाला आई थिंक थोड़ा ठीक लगेगा गाइस. चलो पुलिस वाले कपड़े पहन लेता हूँ मैं. और ओ ये चॉप टू क्या पहन रहा है ब्रो? भाई मैं तो एक अच्छा, आप देख लेना तो समझ जाओगे ब्रो. ओके गाइस, तो चॉप को जो पहनना है पहनने दो, मैं यहाँ पर पुलिस मैन का आउटफिट पहन लेता हूँ. ऑलराइट, तो गाइस हम लोग रेडी हो चुके हैं, अब टाइम है यहाँ पर से निकलने का. लेट्स गो. ओ भाई एक काम करता हूँ, मैं अपने पेट को ना भाई घर पे छोड़ देता हूँ, इस भूत को मेरे को इधर से उधर लेके नहीं जाना है यार. ऑलराइट तुम यहाँ पे आराम करो मस्त, और अपन लोग आते हैं थोड़ी देर में. डॉक्टर भाई ये देखो मेरे कपड़े देखो ब्रो. अरे क्या कपड़े पहन के आया है तू? इधर दिखा इधर दिखा. अच्छा तू तो मेरा असिस्टेंट है, नाइस भाई, बढ़िया. इसके शर्ट पे क्या बना है गाइस? आई थिंक ये Wobbly Life का लोगो ही पहन के आ गया है. ये देखो मेरा पुलिस वाले का पैंट इसके पास है गाइस, और मैं अपने घर में ढूंढ रहा हूँ. ये सही है भाई, शर्ट मैं पहन के आ गया, पैंट ये भाई साहब पहन के आ गए. अपन लोग फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में जा रहे हैं गाइस ऐसा लग रहा है. बट अभी हमारे पास टाइम नहीं है दोस्तों, अपने को मिस्टर डिटेक्टिव के पास जाना है. तो लेट्स गो, जल्दी से चलते हैं, काफी लंबा रास्ता होने वाला है गाइस ये. तो अब मैं आप लोगों से सीधा वही पहुंच के मिलूंगा. ओके हम लोग आ चुके हैं पुलिस स्टेशन, एंड लुक एट दिस, यहीं पर हम लोगों को करनी है अपनी गाड़ी को पार्क. तो फटाफट से मैं हवर बोर्ड को ना एक काम करता हूँ, यहाँ पर छोड़ देता हूँ, एंड लेट्स गेट इनसाइड. ओके तो आज हमारा पहला दिन है चॉप, समझ गया? अच्छे से बिहेव करियो. ओके भाई मैंने कब गंदे से बिहेव किया है ब्रो? अरे तेरे से ही मेरे को बहुत ज्यादा डर लगता है भाई, अगर मेरी इज्जत दुबा दी ना तूने पुलिस के सामने, बहुत लोचा हो जाएगा ब्रो. हेलो सर, फ्रॉस्टी भाई एंड चॉप भाई रिपोर्टिंग फॉर ड्यूटी. एक्चुअली ऑफिसर फ्रॉस्टी और ऑफिसर चॉप आज से हमारा नाम रहेगा. चलो फटाफट से अपना पहला मिशन अपना एक्सेप्ट करते हैं. और क्या होगा? अबे घुसना बंद करेगा मेरे अंदर. द केस इज टू फाइंड माई मिसिंग मैग्नीफाइंग ग्लास. ओके आई हैड इट व्हेन आई लेफ्ट द हाउस दिस मॉर्निंग, बट आई डिडंट हैव इट विद मी व्हेन आई अराइव्ड एट द स्टेशन. चेक द केस बोर्ड फॉर मोर डिटेल्स. एज दिस इज पुलिस बिजनेस, यू कैन यूज द ब्लैक अंडरकवर पुलिस कार पार्क्ड आउटसाइड. इफ यू कैन सॉल्व दिस केस वी मे हैव मोर वर्क फॉर यू. तो गाइस हम लोगों को अपना पहला केस मिल चुका है, और उसके लिए हम लोगों को ना ये मैग्नीफाइंग ग्लास ढूंढनी है. ऑलराइट गाइस हम लोगों को अपना पहला मिशन मिल चुका है, हमें इनका भाई मस्त वाला मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए. लेकिन एक सेकंड, मैं मैप की लोकेशन तो देखना भूल ही गया भाई. होल्ड ऑन. ओके मेरे को इधर जाना है, ठीक है? तो ये जो लाल सर्कल है ये गाइस इधर कहीं इशारा कर रहा है. चलो भाई यहाँ का मार्कर डालते हैं, एंड अपन लोग एक येलो कलर के घर को ढूंढ रहे, ठीक है? चलो भाई फटाफट से चलते हैं, एंड वहीं पर हम लोगों को मिलेगी इसकी मैग्नीफाइंग ग्लास. गाइस मैं सोच रहा हूँ ना यार कि अपन लोग हवर बोर्ड से क्या ही जाएंगे भाई, हेलीकॉप्टर से चलते ज्यादा इजी लगेगा, है ना? तो चलो भाई फटाफट से बैठते हेली में, एंड लेट्स गो. और गाइस आपको तो पता ही, अब हम लोग ऑफिशियली डिटेक्टिव्स ऑन ड्यूटी बन चुके हैं. डॉक्टर भाई यार अब तो एकदम पुलिस बन चुके हैं, स्वैग होगा ब्रो शहर में. अबे पुलिस बनने का मतलब ये नहीं है भाई कि हम बाकी लोगों को परेशान करें, हम लोगों को Wobbly Life के लोगों को सेफली प्रोटेक्ट करना है ब्रो. दिस इज आवर ड्यूटी, ये हमारी भाई असली जॉब हमारा यही है ब्रो. ओके गाइस हम लोग आ तो चुके हैं, मेरे को येलो कलर का घर कौन सा वाला है? आई थिंक ये वाला घर तो पुराना वाला चॉप का है. ओ ये रहा गाइस, ये रहा वो घर. आई थिंक ये घर हो सकता है, नहीं तो वो सामने में. काफी सारे येलो हाउसेज है, अपन लोग एक एक करके सबको चेकआउट करेंगे. बट फिलहाल के लिए मेरे को यहाँ पर देखने दो, अपन लोग देखते हैं यहाँ पर अपने को मैग्नीफाइंग ग्लास मिलेगा क्या. वेट अ सेकंड, पहले इस गैराज डोर को ओपन करता हूँ. ओह ये देखो मैग्नीफाइंग ग्लास मिल गया भाई, क्या मस्त डिटेक्टिव है भाई अपन लोग. डॉक्टर भाई ये मेरे को दो ब्रो, मैं इसको पकड़ के लटक जाऊंगा, आप हेलीकॉप्टर उड़ाना भाई. हाँ ये हुई ना बात, असली डिटेक्टिव वाली बात की है तूने. ऑलराइट ऑफिसर चॉप यहाँ पर रेडी हो चुके हैं, ऑफिसर फ्रॉस्टी अपनी हेलीकॉप्टर को ऊपर उठाने के लिए रेडी, एंड लेट्स गो टू द पुलिस स्टेशन. ओ भाई आराम से पकड़ियो, तेरे को देख के लग नहीं रहा है तेरे से संभाल में हो रहा है. ओ गिर गया. अरे ये क्या कर दिया तूने भाई, किसके छत के ऊपर गिरा दिया? ओ नो गाइस, अब उसको निकालने के लिए मेरे को एक सेकंड, मेरे को लगता है ना उसके ऊपर ही लैंड कराना पड़ेगा. अरे चॉप क्या कर दिया तूने? ओ ओ ओ ओ ओके आई थिंक मैं इसको यहाँ पर रोक सकता हूँ. ओके ओ नहीं 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 नहीं, अरे हेलीकॉप्टर भी फूट गया, मैग्नीफाइंग ग्लास भी गया गाइस. पहला ही ऑपरेशन हम लोगों ने मैसअप कर
कर दिया। बताओ कैसे डिटेक्टिव बनेंगे भाई अपन लोग। अब मेरे को ऊपर जाने के लिए कुछ और चाहिए गाइज। भाई टेंशन मत लो, मैं निकाल के दूंगा प्रूफ। अरे रुक, एक आइडिया आया है गाइज। अपने पास जेली कार थी ना, अगर मैं यहाँ पर जेली कार का इस्तेमाल करूँ तो मे बी अपन लोग उसके ऊपर जा सकते हैं। वेट अ सेकंड, जेली कार कहाँ पर गई? जेली कार के लिए मेरे को फोन बूथ चाहिए। फोन बूथ तो इधर है नहीं। एक काम करते हैं, ट्रक को ही लेके चलते हैं। चलो भाई, चॉप आ रहा है तुम्हारा दोस्त फ्रॉस्टी, मदद करने, टेंशन मत लेना भाई। एक सेकंड, वो घर तो भाई काफी ऊंचा है। अबे इतने ऊंचे घर पे क्यों गिरा दिया तूने भाई, कहां से जाएंगे अपन? छोटे भाई लेकिन इस पे जंप करके तो जा ही सकते हैं ब्रो। अबे सुन, मेरे पास एक आइडिया है। अगर हम लोग यहाँ पर ट्रैम्पोलिन का इस्तेमाल करें ना तो इजिली पहुंच सकते हैं। पहले देखना पड़ेगा गाइस ट्रैम्पोलिन कहां पर है। ओके लेट्स सी, ट्रैम्पोलिन तो मेरे को दिख नहीं रहा है। किसी ना किसी के घर में तो हो गई भाई, इतने सारे लोग रहते हैं वॉबली लाइफ में, किसी के घर में ट्रैम्पोलिन ही ना हो मैं मान ही नहीं सकता। तो रुको, पहले मेरे को ट्रैम्पोलिन खोजने दो एंड उसके बाद आपसे मिलता हूँ मैं। ऑलराइट गाइस, ट्रैम्पोलिन दिख चुकी है मेरे को, काफी खोजना पड़ गया भाई लेकिन वी फाउंड इट। अब बस इसको ले जाना है चॉप के पास। भाई इजी सफर नहीं होने वाला है ये, बट तुम्हारा फ्रॉस्टी भाई इजी कामों में इंटरेस्टेड भी नहीं है दोस्तों। पहले ही दिन हम लोगों को इतना काम करना पड़ रहा है। ओए चॉप के बच्चे हिलना बंद करेगा, आके मदद तो कर दे मेरी। फ्रॉस्टी भाई अगर मैं यहाँ पर से चला गया और किसी चोर ने मैग्नीफाइंग ग्लास को चुरा लिया तो क्या करेंगे ब्रो? अबे अगर तू नहीं होता तो अपन लोग कभी फंसते भी नहीं इस प्रॉब्लम में, समझा? भाई मेरे को लोगों के घर तोड़ करके जाना पड़ रहा है, आई एम सो सॉरी। अपन लोग कोशिश करेंगे कि आपके घरों की भरपाई कर दे, डोंट माइंड अस। अबे ये क्यों नहीं टूट रहा भाई? ये क्या, ये अंबुजा सीमेंट से बना है क्या? ये टूटता ही नहीं है गाइस। रुको इसको तोड़ता हूं मैं। ये लो हटो तुम्हारी ऐसी की तैसी। फ्रॉस्टी भाई बाहुबली आदमी है, अपने से बचना एकदम इम्पॉसिबल है दोस्त। ओ अटक गया, नहीं अटका। ओके हो गया, चलो गाइस। और वो रहा घर। चॉप तो भाई काफी ऊपर ऑलरेडी पहुंच चुका है जंप कर करके, बट मेरे दोस्त कोशिश करना छोड़ दे भाई, तूने सबसे ऊंचे वाले घर में फंसाया है हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास। ऑलराइट गाइस, ऑफिसर फ्रॉस्टी इज हियर, अब टाइम है मदद करने की। ओके एक सेकंड रुको, इसको तोड़ो, रास्ता बनाओ। ओए मिल गया तेरे को? भाई जब तक आप ट्रैम्पोलिन लेके आए तब तक मैं लेके भी आ गया ब्रो। अबे यार तो भाई इतनी मेहनत क्यों करवाई तूने फालतू में? चलो यार अब खोलो इसको, इसके अंदर डालो भाई, और इस बार तुम उसको हाथ में पकड़ के बैठो। तुमसे यार गाड़ी भी नहीं चलाई जाती और मैग्नीफाइंग ग्लास भी नहीं संभाला जाता है, हर काम अपने को खुद से करना पड़ता है गाइस। ऑलराइट लेट्स गो, इस ट्रक को करते हैं बैकअप एंड चलते हैं सीधा पुलिस स्टेशन। ऑलराइट सो गाइस वी मेड इट, फाइनली अपन लोग पहुंच चुके हैं। अब मेरे को चॉप को हटाना पड़ेगा भाई। रुक, एक सेकंड, ये खोला गेट, लेट्स गो। हम लोगों के पास भाई पहला क्लू ऑफ द पजल आ चुका है जो कि है मैग्नीफाइंग ग्लास। अब गाइस फटाफट से इसको मैग्नीफाइंग ग्लास देते हैं एंड मिशन को करते हैं कंप्लीट। द केस इज टू फाइंड माय मिसिंग मैग्नीफाइंग ग्लास, आई हैड इट व्हेन आई। अरे भैया दे तो दिया, हो तो गया भाई, अपने को मिल ही नहीं रहा गाइस। मेरा मिशन नहीं कंप्लीट हुआ इसका, हो गया। अबे नूबड़े तूने क्यों दे दिया उसको? ए भगवान, भाई मेरा मिशन रह गया, चॉप ने कंप्लीट कर लिया, अपने को फिर से करना पड़ेगा गाइस। बताओ यार कैसा नूब लड़का है ये, मेरे को मिशन करना था गाइस, मेरा मिशन चोरी कर लिया भाई। फोर्टी भाई अरे मैं क्या करूं ब्रो, मेरे को मैग्नीफाइंग ग्लास हाथ में था, मैंने बस पकड़ा दिया उनको और क्या। अबे अब चलो फिर से जा रहे मैग्नीफाइंग ग्लास लाने। एक काम करता हूं हेलीकॉप्टर से ही जाता हूं भाई, और ये देखो रात अलग हो गई है यार। ऑलराइट गाइस हेलीकॉप्टर में बैठ चुके हैं, टाइम फॉर राउंड टू। भाई बताओ एक ही काम दो बार करना पड़ता है, कितने बुरे दिन आ चुके हैं दोस्तों हमारे। ऊपर से मेरे को सारी की सारी मिस्ट्रीज भी सॉल्व करनी पड़ती है अकेले ही। लेट्स गो, अब तो यार इतना ज्यादा अंधेरा हो चुका है ना, कुछ दिख भी नहीं रहा है भाई, पूरा कोहरा ही कोहरा है गाइस, हर तरफ फॉग ही फॉग है। बताओ यार इतनी ठंडी के मौसम में सब कोई भाई अपने घर में रिलैक्स करेंगे, लेकिन मैं और चौप बयार यहाँ पे डिटेक्टिव गिरी कर रहे हैं। गाइस आराम से लैंड करता हूँ मैं हेलीको, कहाँ यही वाला घर है ना, हाँ चलो भाई आराम से इजी पीजी। ये देखो ये 2 मिनट का काम है भाई, बताओ फालतू का हम लोगों ने इतना दिमाग खराब किया। चलो इस गैराज को खोलते हैं, ये किया बटन प्रेस। अरे अरे ये क्या है? अरे भैया मैग्नीफाइंग ग्लास गया मेरा, अब मैं कहां से लेके आऊंगा उसको, कैसे दूं मैं अपने मैग्नीफाइंग ग्लास? गाइस अपने को अब आई थिंक पूरा गेम रीस्टार्ट करना पड़ेगा। ऑलराइट गाइस अपन लोग लोड हो चुके हैं। अभी ना मेरे पास एक आइडिया आया है गाइस, जो पहला मिशन हम लोगों को मिला है ना, क्यों ना अपन लोग सीधा मैग्नीफाइंग ग्लास लेके ही चले डिटेक्टिव के पास, है ना? फालतू का भाई मेहनत करने का कोई पॉइंट ही नहीं है गाइस, अब दोबारा उससे मिशन लेंगे फिर करेंगे, इससे अच्छा सीधा मैग्नीफाइंग ग्लास कलेक्ट करते हैं एंड यहां पर से निकलते हैं। ओके चॉप जल्दी आ जा, नहीं तो भाई तेरे बिना ही जाऊंगा मैं। फोर्टी भाई भूलो मत, मैं आपका पार्टनर हूँ ब्रो, डिटेक्टिव को ऐसे नहीं छोड़ा जाता है भाई। अबे डिटेक्टिव के बच्चे, तू मेरे साथ भाई जॉब करता है और सारा क्रेडिट खुद ले जाता है भाई, बताओ यार ऐसा तो हमारा दोस्त है भाई। लेट्स गो गाइस, बहुत दूर जाना पड़ेगा अपने को। माय गॉड कहां चल लेके जाना है? हाँ वो रहा वो येलो हाउस। चलो गाइस एटलीस्ट अब कोहरा नहीं है तो मेरे को सब क्लियरली यहाँ पर नजर आ रहा है, नहीं तो सीरियसली बता रहा हूँ कुछ भी देखने में बहुत दिक्कत आ रही थी। ओके नाइस एंड इजी, ये हेलीकॉप्टर हमेशा धोखा देता है भाई। चल 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 इजी इजी
आराम से लैंड करो, स्ट्रीट पोल में नहीं टकराना है भाई। ओके हो गया, अब जल्दी से गैराज डोर करते हैं ओपन एंड निकालते हैं मैं। अबे फिर नहीं है, अरे भाई ये क्या हो गया मेरे साथ यार, फिर से गाइस अपने को नहीं मिला। आजा अंदर। आई थिंक गाइस कहीं लोकेशन बदल तो नहीं गई है। रुको मेरे को शायद एक बार डिटेक्टिव से बात करना पड़ेगा, हो सकता है गाइस कि यहाँ पर उन लोगों ने लोकेशन बदल दी हो और हम लोगों को पता भी ना चला हो। ऑलराइट वी मेड इट टू द पुलिस स्टेशन एंड अब बस आराम से इसको नीचे उतारेंगे और बस फटियो मत यार, ये हेलीकॉप्टर इतना फ्रेजाइल क्यों है भाई? भाई ट्रक थोड़ी चला रहे हो, हेलीकॉप्टर है ब्रो, ऑफ कोर्स ये कमजोर होगा, थोड़ा सा भी क्रैश करेगा तो फट जाएगा भाई। अबे थोड़ा मजबूत बनाओ यार, GTA के हेलीकॉप्टर कितने मजबूत होते हैं। ओके क्या भाई, अच्छा इसको मिल गया मैग्नीफाइंग ग्लास, चलो कोई ना गाइस अपना हो गया, पता नहीं कैसे तो कंप्लीट, बस कंप्लीट हो गया मिशन। ओके तो पहला हम लोगों ने डिटेक्टिव का मिशन कंप्लीट कर लिया है एंड हमारे पास कुछ अनलॉक हुआ है, बट दूसरा मिशन क्या है इसका? आई डोंट हैव अ केस फॉर यू राइट नाउ, ट्राई कमिंग बैक टुमारो। ओके पहला मिशन कंप्लीटेड, अब अगले वीडियो में आई गेस हम लोग इसका मिशन नंबर 2 देखेंगे। ऑलराइट गाइस स्टॉप, टाइम है वापस यहां पर कपड़ों को ट्राई करने का एंड हम लोगों को अपने नए नए कपड़े मिले हैं, तो मैं जा रहा हूं भाई फटाफट से अपने घर, क्योंकि मेरे को देखना है भाई कौन सा ऐसा कपड़ा है जो हम लोगों को मिस्टर डिटेक्टिव ने यहां पर दिया है। और हां गाइस अपन लोग सोच रहे थे कि यार घर चेंज किया जाए, तो मैं सोच रहा हूं ना वो घर से मैं इस घर में शिफ्ट कर जाता हूं एंड चॉप जो है उस घर से इस घर में शिफ्ट कर जाएगा, तो इसके ऊपर 2 वीडियो और लेके आ सकते हैं अपन लोग। तो अगर आपको वो वीडियोस देखनी है तो कमेंट करके बताओ जल्दी से जल्दी एंड चैनल पे नए हो दोस्तों सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर देना एंड आ चुके हम लोग घर अपने वापस। नाउ इट्स टाइम टू चेंज आवर क्लोथ्स, चलो भाई फटाफट से कपड़े बदलते हैं एंड चलते हैं और देखते हैं ऐसा क्या क्या ही दे दिया भाई। ओ लुक एट इट गाइस, हम लोगों को मिल गया है अपना डिटेक्टिव हैट, इनफैक्ट मेरे को 2 मिल गया है। अच्छा नहीं, एक लड़कियों के लिए है एक लड़कों के लिए है। वेल ये देखो अब लग रहे ना भाई प्रॉपर डिटेक्टिव शेरलॉक होम्स, ये देखो बंदा तो कूल लग रहा है भाई, और ये बुलबुले क्यों छूट रहे इसके मुंह से। ऑलराइट गाइस सो आई थिंक दैट इज इट फॉर टुडेस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हमेशा की तरह स्टे फ्रॉस्टी।